आपण पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से हलचल मच गई है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने आज शरद पवार से मुलाकात की, जिससे उनके आने वाले कदम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। छगन भुजबल जो शिंदे सरकार में मंत्री है, इन्होंने पिछले साल अजीत पवार के साथ मिलकर अपनी पार्टी बदली थी। उन्होंने नासिक से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना को वो सीट मिल गई। भुजबल राज्यसभा सीट भी चाहते थे, लेकिन सुनेत्रा पवार को नामांकित किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भुजबल एनसीपी छोड़ने का विचार कर रहे हैं और शायद अपनी पार्टी बनाने या शिवसेना यूबीटी ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं। भुजबल ने एक रैली में शरद पवार पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी ने मराठा कोटा मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार किया है। भुजबल ने कहा, सामाजिक मुद्दों पर वरिष्ठ नेता शरद पवार को मीटिंग में आना चाहिए था, बहिष्कार करना और फिर उस पर सलाह देना ठीक नहीं। उन्होंने विपक्ष को मराठा धनगर और ओबीसी कमिटीज के हितों को नजरअंदाज करने का आलोचना की।